अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि सब भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी, कुछ भाइयों ने कमेंट किए थे कि एहसान भाई बंद का भी शौक करवा दें हमें, यानी कि जो बंद गद्दी वाला सील होता है उसका भी शौक करवा दिया करें कभी। आप खुले कांटे वाले का शौक ज़्यादा करवाते हैं और आपके पास खुले कांटे वाले ज़्यादा हैं, तो बंद का भी शौक करवा दिया करें। तो उन भाइयों के कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आज स्पेशल यानी कि मुर्गा मंगवाया जी, बंद गद्दी वाला जो बंद है, बंद का सी है, मियाँ वाली नस्ल है इसकी दोस्तों, ठीक है। तो मियाँ वाली इसकी नस्ल है, प्योर मियाँ वाली जिसे कहते हैं। तो बंद का ये मुर्गा है, बंद गद्दी वाला यानी कि बंद कील वाला जिसे कहते हैं, लॉन्ग टाइम फाइटर, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी आंख भी दिखाता हूँ, इसकी नलियाँ भी दिखाता हूँ, सारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। पहले एक दो ज़रा बातें हो जाएँ ज़रूरी। सबसे पहले तो दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि मुझे सपोर्ट किया है, वाकई जिसे सपोर्ट कहते हैं मुझे वो सपोर्ट किया दोस्तों ने, ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए बहुत जल्दी और वॉच टाइम भी पूरा हो गया बहुत जल्दी, सारा कुछ यानी कि ना दिनों में ही हो गया। बहुत शुक्रिया अपने दोस्तों का, भाइयों का, इन्होंने सपोर्ट किया और फ्यूचर में जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, उनका भी शुक्रिया। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इधर से मुर्गा देख सकते हैं, पंख निकाल रहा है, ठीक है, किस लगन के साथ ये खड़ा है, आराम सुकून से पंख निकाल रहा है मुर्गा। अभी मैं आपको इसका शौक करवा देता हूँ, देख सकते हैं, करीब करके आंख दिखाता हूँ। सबसे पहले आंख में रेड कलर के डोरे हैं, देख सकते हैं आप करीब कैमरे में, रेड कलर के डोरे हैं, ज़बरदस्त किस्म की आंख है, जिसे बड़ी कहते हैं ना कि लड़ाकी आंख है, वो आंख है, रेड कलर के डोरे हैं आंख में। सबसे पहले हम आंख ही देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी नलियाँ दिखा देता हूँ। चोरस नली ये होती है, चोरस नली ये देख सकते हैं आप, ये चोरस नली है ये वाली, इस साइड से भी देख सकते हैं, इस साइड से भी देख सकते हैं आप, इसे चोरस नली कहते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल चोरस नली है, पक्की नली है। अब हम आते हैं इसके पल्लों की तरफ, ठीक है, इसके पल्लों की तरफ अब हम आते हैं। ये मैं इसे हल्का सा दुम के नीचे टच करता हूँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा टच करता हूँ तो देखिए ये मस्त हो गया है। ये भी एक टोटका समझा जाता है, ये कह लें कि निशानी समझी जाती है जो हमें पता चली। ये देखें, बस मैं छोड़ दिया मैंने करके, ये मस्त हो गया, अब ये लगा हुआ है देखें मेरे हाथ ऊपर है, मस्त हो गया, ठीक है। इसकी अब हम पल्लों की बात करें, मैं पल्ले दिखाता हूँ आपको इस मुर्गे के, इस तरीके के साथ पकड़ के इसको, ये वाला पल्ला पहले दिखाता हूँ, पूरे पल्ले हैं, बड़े पल्ले हैं, जिसे वाकई बंद का मुर्गा कहते हैं, पूरे पल्ले हैं और बड़े पल्ले हैं इस मुर्गे के, देख सकते हैं आप, खूबसूरत पल्ले। जोड़ की बात कर लेते हैं, धूम का जो जोड़ भी अक्सर हम देखते हैं पकड़ के कि जोड़ की क्या कंडीशन है, जोड़ ठुका हुआ है, जोड़ ठुका हुआ है धूम का, या लूज़ है बिल्कुल, उसमें उंगलियाँ दाखिल हो जाती हैं, इधर से पकड़ लिया जोड़, ठुका हुआ जोड़ बिल्कुल 100% ठुका हुआ, उसमें कोई स्पेस नहीं है ज़रा भी कि मेरी उंगली अंदर जाए, इतनी गुंजाइश नहीं है, ठुका हुआ जोड़ है ये मुर्गा, देख सकते हैं पूरा मैंने रिव्यू करवा दिया आपको इसका, ठीक है, ठुका हुआ जोड़ है। ये चीज़ आपने देखनी है मुर्गे की, ये जो कमर होती है इसको पता चलता है भी कोई चीज़ है, सख्त है जैसे पत्थर होता है, ठीक है, इन्हें कहते हैं जोड़। टांगों के टांगे देखनी होती हैं, नलियाँ देखनी होती हैं, टांगों की पंजे देखने होते हैं, धूम का जोड़ पकड़ के देखना होता है, ठीक है, पक्का है पल्ले बड़े हैं, ठीक है। अब मैं आप एक चीज़ दिखाता हूँ आपको और, अभी देखिएगा, फिर ये वही मस्ती लाइन में चला गया, ठीक है, ज़रा सा टच किया मैंने, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं कि मुर्गा अगर आप उसकी धूम के नीचे एक मरतबा ही टच करने से, तो अगर वो करता है मस्ती, तो ये भी अच्छा समझा जाता है कि अच्छा सील है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं, हमने पल्ले भी देख लिए, धूम का जोड़ भी देख लिया, नलियाँ भी देख ली हैं, इसकी गर्दन की कुंडियाँ, ये गर्दन है ना, ये गर्दन की जो कुंडियाँ हैं, मज़बूत गर्दन, कर ले भाई कर ले, मज़बूत गर्दन, ये देखें आप, अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते जो मैं कर रहा हूँ, गर्दन में कुंडियाँ, इसकी पता ही नहीं चलता है या नहीं है, फंसी हुई हैं, ठुकी हुई हैं आपस में, कोई इनमें खला नहीं है ज़रा भी, कुछ भी नहीं है, पक्की जिसे कहते हैं ना पक्की गर्दन, ये गर्दन का भी बड़ा किरदार होता है, पक्की गर्दन है इसकी माशाल्लाह, ठीक है,
ज़बरदस्त जानवर है, खूबसूरत कलर है, मियाँ वाली का कलर होता है ये, यार ठीक है। ये बड़ा कलर पे भी शख्सियत का पता चलता है, जो कलर होता है ना मुर्गे की शख्सियत बताता है जो कलर होता है, कलर पे भी बड़ा ना हम करते हैं, फोकस करते हैं, कलर अच्छा हो मुर्गे का, प्यारा कलर हो, खूबसूरत कलर हो। धूम देखें इसकी, लंबी है, बिल्कुल लंबी धूम है, ये देख सकते हैं आप, लंबी धूम है, ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये देखें ताज की बात करें अब इसकी, बिल्कुल छोटा ताज है ऊपर, कोई ताज गिरा हुआ नहीं है, उस साइड पे नहीं है गिरा हुआ, उस साइड पे नहीं गिरा हुआ, और ये जो नीचे लटकती भी नहीं है इसकी, ये भी सील जो लटकती है वो भी सील होते हैं, बड़े वो अच्छे फाइटर होते हैं जो जिनकी नीचे लटकती हैं, लेकिन इसकी कलगी नीचे लटकने वाली नहीं है, छोटा मुँह है ये, कह लेंगे छोटा मुँह है, बिल्कुल खूबसूरत मुँह जिसे कहते हैं। चौड़ी छाती है इसकी, देखें खूबसूरत जानवर है, देख सकते हैं आप, इनका ज़बरदस्त चीज़ है, जो जो क्वालिटी इसके अंदर होनी चाहिए पूरी क्वालिटी इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, अदनान भाई नाम है उनका सब्सक्राइबर का, उन्होंने मुझे, ये कह लें दोस्त भी हैं मेरे, भाई भी हैं वो, तो अब ये मुर्गा उनको मैंने इधर से डिस्पैच करना है, ठीक है, शक्करगढ़ में ये वाला मुर्गा। तो काफ़ी देर से वो कह रहे थे कि एहसान भाई दे दें मुर्गा, दे दें मुर्गा, भेज दें, अच्छी नस्ल का मुर्गा हो, करना उन्होंने भी सिर्फ शौक़ है और कोई मसलन के लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, सिर्फ शौक़ करना है उन्होंने भी, तो एहसान भाई मुर्गा भेज दें। तो फिर पहले मैंने खुद जाके मुर्गा देखा है, मैंने तसल्ली अपनी की है अभी बिल्कुल ठीक हो, किसी किस्म का उसमें कोई ऐब ना हो मुर्गे में, तो बिल्कुल मेरे दिल को ये अच्छा लगा, बंद गद्दी का मुर्गा चाहिए था तो मेरे दिल को ये मुर्गा अच्छा लगा, ठीक है, तो मैंने ये मुर्गा डन कर दिया, मैंने कहा ठीक है ज़बरदस्त है। इसकी मैंने वीडियोज़ वगैरह भाई को सेंड किए नान भाई को, तो खुश हुए हैं, कहते हैं ठीक है एहसान भाई आप ये भेज दें, तभी हम उन्हें ये बिल्टी कर देंगे शक्करगढ़ में, तो इनकी वो ब्रीड लेंगे आगे। तकरीबन इस वक्त इसकी एज की मैंने बात नहीं की, 1.5 साल इसकी एज आ जी तकरीबन इस वक्त मुर्गे की, ये भी आप देख भी सकते हैं, इसके कील देख सकते हैं, डोडे हैं छोटे छोटे, बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं, डोडे हैं बिल्कुल, 1.5 साल इसकी एज है। जो बंद गद्दी के होते हैं ना मुर्गे, ये कद जल्दी निकालते हैं, जितना इनका कद निकलना होता है कद निकाल लेते हैं, अपना जल्दी निकाल लेते हैं, फिर रुक जाते हैं उधर, फिर इनके आहिस्ता आहिस्ता डोडे निकलने शुरू हो जाते हैं, कुछ 1.5 साल इसकी एज है। अगर आप मियाँ वाली के छोटे कद वाला मुर्गा ले लें जिसकी हाइट छोटी हो, उसकी 1.5 साल में कील लंबे लंबे निकल आते हैं, लंबे कील हो जाते हैं 1.5 साल की एज में। तो इसके अभी डोडे हैं क्योंकि ये बंद का है, तो अभी ये माशाल्लाह और खुल जाएगा, जिस समय भी इसका और खुलेगा, जैसे जैसे ये मज़ीद जवान होगा वैसे वैसे इसका जिस्म खुल जाएगा, और ये पुरसकून है, सबसे बड़ी बात है मुर्गा पुरसकून है। सील अक्सर पकड़े नहीं जाते, भाग जाते हैं बंदे पीछे, दौड़ते हैं पकड़ते हैं, वो भी सील अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं, ये नहीं कि हम कहते जो पकड़ा ना जाए वो सही नहीं है, सब अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल होते हैं, इनमें भी कुछ स्पेशल होते हैं जो भागते नहीं हैं, जैसे ये मेरे पास खड़ा है आराम से खड़ा हुआ है, देखें बिल्कुल ये मस्त होकर खड़ा हुआ है, कोई इसे पता नहीं मैंने क्या करना है, भाग नहीं रहा, मेरे हाथ ऊपर है, कोई मसला नहीं। तो मैंने इसको भी फर्स्ट टाइम पकड़ा, ना तो मैंने ये शुरू से पाला है ना छोटा हुआ पाला है, बस दोस्त से मैंने मंगवाया, मैंने कहा भाई को गिफ्ट करना है भेजना है, तो बस ये फर्स्ट हैंड मेरे पास आया, मैं देखें आराम से खड़ा हुआ है, कोई ऊपरी जगह का नहीं साहब या ऊपरे बंदे का नहीं, जो असल ये भी स्पेशल असल होती है, भागते नहीं है, थोड़ा सा बस छेड़ता हूँ मस्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको ये मुर्गा शो करवाया बंद गद्दी का मुर्गा भी आपको अच्छा लगा होगा, और ये छोटा सा एक व्लॉग था इसी के ऊपर, मैंने कहा ये डिलीवर करने से पहले एक वीडियो बना के, मैं दूसरे जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे भाई हैं जो देखते हैं मेरी वीडियोज़ को, उनका बहुत शुक्रिया, वो भी इस शौक को ज़रा देख लें कि कैसा यानी कि मुर्गा ये वाला, फिर दिखा देता हूँ एक बार पास करके भी मैं दिखा देता हूँ, ये चीज़ है जी अभी देख सकते हैं बंद गया ये वाला। वैसे मैं बंद के मुर्गे मैंने कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं रखता बंद गद्दी वाले, मैं ज़्यादा शौक करता हूँ खुले कील वाले का, खुले कांटों वाले का, उनकी हाइट में वो छोटे होते हैं तो वो ज़रा खूबसूरत लगते हैं, अपने अपने शौक की बात है, ये बंद का जो बंद का शौक करते हैं वो उन्हें बंद का अच्छा लगता है, यार ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, और जो खुले कांटे वाले का करते हैं वो अच्छा लगता है, ये अपने अपने शौक की बात है, बाकी ये जो चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो जी जो नए आने वाले दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी को, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि ये सील मुर्गों के मतलब जितनी भी वीडियोज़ हैं ना वो सब आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में, और हाँ एक भाई ने कमेंट किया था कि एहसान भाई चूज़ा है छोटा, उसकी चूंज के ऊपर ना दाने बन जाते हैं, चूंज के ऊपर दाने बन जाते हैं, इधर कभी जबड़े के ऊपर दाना बन गया, कभी ऊपर, चिक्स हैं छोटे बच्चे हैं, उनका ट्रीटमेंट मैं इसी वीडियो में मैं नहीं बता सकता, उनके बड़े दो तरीके हैं उनके, एक तो आपने खुडे के बीच कुछ करना है वो बताऊँगा क्या करना है, और दूसरा आपने ऊपर क्या लगाना है, ये चीज़ें। चूज़ा भी मैं लेके आऊँगा जिसके ऊपर दाने बने हुए हैं, पूरा तफसील के साथ आपको ना मैं वो बताऊँगा, वो अलग से वीडियो बना दूँगा, पहले मैंने ये वीडियो बनानी ज़रूरी समझी,
तो उस भाई से प्रॉमिस है जो अगर वीडियो को देख रहा है तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो जी अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।